ये मिलती है इधर, है ना। अब हम चाहते हैं कि देखो ये बात तो क्लियर है साहब, ये रेज एग्जैक्टली यहाँ पे तो जा तो नहीं पा रही है ना, यहाँ पे रेस नहीं जा पा रही है। अब ये वाला जो पॉइंट है I1, ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा किसके लिए, लेंस टू के लिए। I1 विल एक्ट एज ऑब्जेक्ट फॉर लेंस टू, है ना। हम चाहते हैं कि अब इमेज ये इन्फिनिटी पर बना दे, तो ये इन्फिनिटी पर कैसे इमेज बनाएगा। क्या हम बोल सकते हैं कि ये जो I1 है ये बेसिकली इसका प्राइमरी फोकस वाला पॉइंट हो जाना चाहिए। मतलब ये जो डिस्टेंस है, क्या मैं बोल सकता हूँ ये डिस्टेंस 24 सेंटीमीटर हो जाना चाहिए। बोलिए बच्चे। ये आपको अगर ऐसे पता नहीं लग रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, इसको आप कुछ एक्स मान लो, लेट दिस डिस्टेंस बी एक्स। आपको ये तो पता है कि इमेज इन्फिनिटी पर बनानी है मुझको, तो सेकंड वाले लेंस के लिए फॉर्मूला अप्लाई करो, 1/v − 1/u = 1/f। तो v को आप लिख दो इन्फिनिटी, u को क्या लिख देंगे, u को लिख दो +x, और f को क्या लिख दो, −24। तो क्या आ गया, −1/x = −1/24, यानी x की वैल्यू 24 आ गई कि नहीं आ गई बेटा। और x को अगर आपको 24 लाना है, इसका मतलब आपको d को कितना रखना पड़ेगा, ये d है, क्या d को आप 30 − x ऐसा लिख सकते हैं, तो यानी इसकी वैल्यू 6 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 सेंटीमीटर के बराबर इसकी वैल्यू आ जाएगी। बोलिए बच्चे, क्या ये बात समझ आती है। बोलिए भाई। हाँ सर, इसी क्वेश्चन में हमसे एक चीज और पूछी जा सकती थी, क्या, फाइंड द रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज ऑफ इमर्जेंट एंड इंसिडेंट बीम्स ऑफ लाइट इन द प्रीवियस प्रॉब्लम। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज ऑफ इमर्जेंट एंड द इंसिडेंट बीम्स ऑफ। क्या आंसर होगा बेटे, क्या आंसर
Recording in progress. In the previous problem, calculate the ratio of intensities of emergent and incident beams of light. ये आपका converging lens है, ये diverging lens है, इस पर एक parallel beam of light incident करता हुआ आया और इधर आ जाकर के गिरा। अब वो जाकर के क्या करता है, 30 सेंटीमीटर आगे जाकर के वो कन्वर्ज होती है और ये डिस्टेंस इसमें हमें दी हुई है, कितनी दी हुई है जी, 24 सेंटीमीटर ये डिस्टेंस है ना। और फिर अल्टीमेटली होता क्या है, अल्टीमेटली होता यह है कि रेज जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इमर्ज हो जाती है। अच्छा आप देखो, जितनी एनर्जी पहले इतने एरिया में फैली हुई थी, क्या अब वो सिर्फ इतने से एरिया में फैली हुई है क्या? इंटेंसिटी क्या होती है, इंटेंसिटी होती है एनर्जी पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, क्या यही इंटेंसिटी होती? तो इंटेंसिटी इन इमर्जेंट बीम अपॉन इंटेंसिटी इन इंसिडेंट बीम को क्या लिखेंगे एनर्जी पर यूनिट टाइम डिवाइडेड बाय उसका एरिया डिवाइडेड बाय एनर्जी पर यूनिट टाइम अपॉन इंसिडेंट बीम का एरिया। तो ये आ जाएगा इंसिडेंट बीम का एरिया अपॉन इमर्जेंट बीम का एरिया। अब इंसिडेंट बीम का एरिया क्या होगा, क्या एरिया डायमीटर के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा? तो ये आ जाएगा इस डिस्टेंस पे यदि मैं d बोलता हूं और इधर वाली डिस्टेंस को d डैश बोलता हूं तो d स्क्वायर डिवाइडेड बाय d डैश का स्क्वायर, क्या ये ऐसा आ जाएगा क्या, d स्क्वायर अपॉन d डैश का स्क्वायर, d स्क्वायर अपॉन d डैश का स्क्वायर। अब ये d और d डैश का रेशियो कैसे निकालें अपन, देखो ये ए बी सी डी, तो ट्राइंगल ई सी डी
इज सिमिलर टू ट्राइंगल ई ए बी, क्या ऐसा बोल सकते हैं? ट्राइंगल ई सी डी और ट्राइंगल ई ए बी सिमिलर है, क्या ऐसा बोल सकते हैं? ट्राइंगल ई सी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ई ए बी. ट्राइंगल ई सी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ई ए बी, ये हम बोल सकते हैं. तो इसका मतलब क्या है बेटे? इनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनका रेशो बराबर होना चाहिए. तो आपके पास आ जाएगा डी डैश डिवाइडेड बाय डी, ये किसके बराबर होगा? 24 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 30 सेंटीमीटर, या डी बाय डी डैश की वैल्यू लिखें तो वो 30/24 है. फाइव बाई फोर आ जाएगा. तो इसको आप इधर सब्स्टिट्यूट कर दो तो इंटेंसिटीज का जो रेशो आ जाएगा क्या वो 25/16 के बराबर आ जाएगा? इंटेंसिटीज का जो रेशो आ जाएगा वो 25/16 के बराबर इंटेंसिटीज का रेशो आ जाएगा. क्या ये चीज समझ आती है बेटा? हाँ सर. क्या ये बात समझ में आती है बेटे? अगले क्वेश्चन पे चलें भाई. हाँ सर. देखो जैसे ऐसा एक क्वेश्चन और मैं आपको कराता हूं. या इस तरह के आप क्वेश्चन आप कर सकते हो. ये एक प्रिज्म है, इसका अपेक्स एंगल है 4 डिग्री के बराबर, और इसके सामने हमने क्या कर रखा है? एक कन्वर्जिंग लेंस रखा हुआ है, और ये प्रिज्म की ऑप्टिकल एक्सिस. हमने क्या किया? एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट जो कि ऑप्टिकल एक्सिस के पैरेलल ट्रेवल कर रही थी उसको हमने प्रिज्म पे इंसिडेंट. तो हमें पता लगाना है क्या के इसकी फोकल लेंथ मान लो हमें दे दी गई है 40/5 सेंटीमीटर. तो हमें पता लगाना है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस ऑफ द लेंस द
will the final race meet या intersect? कैसे करोगे बच्चों? लेंस प्रिज्म का मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको 3/2 दिया, तो हम क्या करें? देखो डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय प्रिज्म पता करते हैं, ये हो जाएगा n-1 into a, 3/2 - 1 = 1/2 into 4, दैट इज 2 डिग्री के बराबर का प्रिज्म का डेविएशन आ जाएगा, है ना। तो इसका मतलब क्या है, जब ये रेज लेंस पे गिरेंगी तो ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही होंगी बच्चों? 2 डिग्री का एंगल प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बनाते हुए ये लेंस पे गिरेंगे। कितने डिग्री का एंगल? 2 डिग्री का एंगल बनाते हुए ये, हमें पता है कितनी डिस्टेंस नीचे ये इंटरसेक्ट करती है बेटे फोकस से, क्या डिस्टेंस आती है ये? एफ तो एफ थीटा की वैल्यू ही हमसे वो पूछ रहे हैं, एफ कितना है? 40/π cm। और 2 डिग्री को हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? 2 into π/180 करना पड़ेगा, तो ये पाई से पाई कैंसिल होता है, 0 से 0 कैंसिल होता है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8/18, यानी कितना? 4/9 cm। ये कहां पे इंटरसेक्ट करेगी? 4/9 cm बिलो द फोकस, रेज विल इंटरसेक्ट 4/9 cm बिलो द फोकस। क्या ये बात सुनना आती है? अब देखो इसमें जैसे क्वेश्चंस जो हैं वो मिरर और लेंस को बना मिला के भी पूछे जा सकते हैं। जैसे ये हमसे कहा जाए कि साहब एक कन्वर्जिंग लेंस है और ये एक डाइवर्जिंग मिरर, और ये इनकी कॉमन ऑप्टिकल एक्सिस है, इसकी फोकल लेंथ हमें दी हुई है 20 cm, और यहां से हम मान लेते हैं कि हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट को रख दिया इधर से 30 cm की दूरी पर, ऑब्जेक्ट की हाइट है कितनी? 1 cm इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट।
ठीक है, ये डिस्टेंस हमें मान लेते हैं दी हुई है 20 सेंटीमीटर और इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर लेट्स से है कितनी, 60 सेंटीमीटर। हमें पता लगाना है, फाइंड द पोजीशन एंड द हाइट ऑफ फाइनल इमेज फॉर्म। अब देखो बेटे, ध्यान से देखना कि किस तरह से सॉल्व करते हैं इसको, क्योंकि ये है बहुत ही आसान रेगुलर क्वेश्चन है, प्लेन डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला है, लेकिन तब भी क्या है, बच्चे इसका आंसर सही नहीं ला पाते हैं, कभी कुछ गलती कर देते हैं, कभी कुछ गलती कर देते हैं। तो देख लो साइन कन्वेंशन क्या है, कैसे यूज करना है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट से रेस चलेंगी तो वो राइट साइड में जाएंगी, है ना, तो राइट साइड को पॉजिटिव कहेंगे, लेफ्ट साइड को नेगेटिव, और लेंस से रिफ्रैक्शन होगा तो लेंस फॉर्मूला लगाएंगे, 1/v - 1/u = 1/f। तो क्या आ जाएगा आपके पास, v तो आपको पता लगाना है, u की वैल्यू -30 है और ये बराबर आ रहा है 1/f के, तो उसको 20 लिख दो, तो आपके पास आ जाएगा 1/v = 1/20 - 1/30। तो क्या है, LCM आ गया 60, 3 - 2, तो v की वैल्यू कितनी आ गई बेटे, 60 सेंटीमीटर v की वैल्यू। क्या ये बात समझ आ गई, इमेज 60 सेंटीमीटर पर बना रहा है जी, 60 सेंटीमीटर पर बना रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये जो कन्वर्जिंग लेंस है ये रेस को खुद से कितना दूरी पर भेज रहा है, 60 सेंटीमीटर की दूरी पर खुद से रेस को भेज रहा है, ठीक है। अब देखो क्या होगा, ये रेज यहां तक तो पहुंच ही नहीं पाएंगी ना, बट उसके पहले ही इसका सामना किससे हो जाएगा, मिरर से। अब ये जो पॉइंट है, ये इमेज बनाई गई है किसके द्वारा, लेंस के द्वारा, जो लेंस से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर है, लेकिन ये I1 ऑब्जेक्ट का काम करेगा किसके लिए, मिरर के लिए, क्योंकि मिरर पे तो जो रे इंसिडेंट हो रही है उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, और मिरर से इसकी दूरी जब निकालेंगे अपन, तो क्योंकि ये दूरी 20 सेंटीमीटर दी हुई है, तो इसलिए ये दूरी हो जाएगी कितनी, 40 सेंटीमीटर। तो हम क्या लिखेंगे, I1 विल एक्ट एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट और कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर के लिए क्या है, ये I1 वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो हम इक्वेशन लिखेंगे कितनी, 1/v + 1/u = 1/f। तो क्या आ जाएगा, 1/v+, अब देखो मिरर में भी रेस अभी राइट साइड पे ही जा रही थी, इंसिडेंट रेस मिरर पे जब गिरी तो वो किधर जा रही है, राइट में या लेफ्ट में, राइट। तो मिरर के लिए भी क्या है, राइट साइड ही पॉजिटिव है और ऑब्जेक्ट राइट पे ही लाई कर रहा है, तो इसलिए यू को पॉजिटिव रखेंगे, कितना पॉजिटिव रखेंगे, +40 रखेंगे, बच्चों मिरर से उसकी दूरी 40 है और पॉजिटिव साइड पे है, तो इसलिए +40। और F को क्या लिख देंगे, ये कॉन्वेक्स मिरर है, तो कॉन्वेक्स मिरर का F पॉजिटिव होता है, राइट साइड मतलब जिधर सेंटर ऑफ कर्वेचर है उधर ही फोकस होता है, और वो राइट साइड है, राइट साइड ही पॉजिटिव है,
और इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर 60 है, तो फोकल एफ को लिखेंगे प्लस 30, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1/v इक्वल टू 1/30 माइनस 1/40, मतलब 120 LCM आता है, 34/43 से कैंसिल होगा, तो क्या V की वैल्यू 120 सेंटीमीटर आ, मतलब ये रेस को ऐसे भेजेगा कि वो 120 सेंटीमीटर वाले पॉइंट की तरफ जाती हुई प्लस 120, मतलब राइट साइड में ही 120, प्लस 120 का मतलब क्या है, इन रेस को जब मैं एक्सटेंड करूंगा तो पीछे हट सकता, मतलब देखो कुछ ऐसा हो गया है कि ये आपका मिरर था, इस मिरर ने जिन रेस को रिफ्लेक्ट किया वो यहां से 120 सेंटीमीटर वाले पॉइंट से आ रही है, ऐसा लग रहा है, समझ रहे हैं, वो 120 सेंटीमीटर वाले पॉइंट की तरफ से ही रेस क्या ये बात समझ में आती है बेटा, अब ये रेस क्या दोबारा लेंस पे इंसिडेंट होंगे, कहां जाएंगी, लेंस से तो होकर के ही तो लेफ्ट में जाना पड़ेगा, लेफ्ट साइड में लेंस रखा हुआ, तो ये इस पॉइंट को हम I2 कहें, I2 क्या है, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स मिरर द्वारा बनाई गई इमेज, लेकिन I2 ऑब्जेक्ट का काम करेगी किसके लिए, वापस से इस कन्वर्जिंग लेंस के, तो ये 120 है और ये दूरी 20 है, अब इंसिडेंट रेज लेफ्ट में जा रही है, लेंस के लिए जब फॉर्मूला दूसरी बार लगा रहे हैं अपन, तो साइन कन्वेंशन मुझे बदलना पड़ेगा, लेफ्ट साइड को पॉजिटिव लेना पड़ेगा, राइट साइड को नेगेटिव लेना पड़ेगा, और मैं क्या इक्वेशन लिखूंगा, लेंस के लिए 1/v माइनस 1/u, u को कितना लिख दें, बोलो बच्चों, माइनस 140, माइनस 140 इक्वल टू 1/f, और इसका फोकल लेंथ तो हमें 20 सेंटीमीटर दिया ही हुआ, तो आपके पास 1/v की वैल्यू आ जाएगी 1/20 माइनस 1/140, यहां से 140 आप बड़े आसानी से एलसीएम ले लो, 27 × 140, 140 × 140, तो v की वैल्यू क्या आ जाती है बच्चों, 140 / 6, मतलब 70/3 का मतलब कितना है, 23.33 सेंटीमीटर पर इमेज प्लस आ रहा, V की वैल्यू प्लस आ रही है, मतलब किधर 23. वो साइन कन्वेंशन का चेंज समझा नहीं भाई, साइन कन्वेंशन क्या लेते हैं बेटे, डायरेक्शन ऑफ ट्रैवलिंग ऑफ इंसिडेंट रेज इज टेकन एज पॉजिटिव, है ना, साइन कन्वेंशन क्या होता है हमारा, डायरेक्शन ऑफ ट्रैवलिंग ऑफ इंसिडेंट रेज इज पॉजिटिव, ठीक है, अब लेट अस गो बैक टू द इनिशियल प्रॉब्लम एंड कीप दिस थिंग इन माइंड, तो क्या था, देखो ये ऑब्जेक्ट था हमारा, ऑब्जेक्ट से रेज इस तरह से लेंस पे गिरी होंगी, तो जो रेज अभी इंसिडेंट हुई है, एक मिनट रुको स्क्रीन हटा,
ये क्वेश्चन था हमारा। शुरू में रेस किधर जा रही थी बताओ बेटे, लेफ्ट में जा रही थी कि राइट में जा रही थी? राइट में। राइट में, तो हमने राइट साइड को पॉजिटिव लिया, लेफ्ट को नेगेटिव लिया। क्या यहां तक बात समझ में आती? तो इस यू को कितना रखा, -30। फिर उसके बाद मिरर पर जब रेस इंसिडेंट हुई तो इंसिडेंट रेस मिरर पर इंसिडेंट होने के समय भी किधर जा रही थी, राइट में जा रही थी कि लेफ्ट में जा रही थी? राइट। राइट में। तो इधर भी राइट साइड को पॉजिटिव लिया, लेफ्ट साइड को नेगेटिव, है ना। देखो राइट साइड को पॉजिटिव लिया क्योंकि इंसिडेंट रेस मिरर पे जो इंसिडेंट हुई वो ऐसे। अब जब रेस मिरर ने रिफ्लेक्ट कर दिया और अब जब इस लेंस पे इंसिडेंट हुई है तो अब रेस किधर जा रही, रेज इंसिडेंट ऑन लेंस, अब लेफ्ट में जा रही है। तो इसलिए लेफ्ट साइड को पॉजिटिव और राइट साइड को नेगेटिव, है ना। और लेंस के लिए ऑब्जेक्ट किधर है, वो उधर मिरर के 120 सेंटीमीटर पीछे, यानी लेंस से 140 सेंटीमीटर राइट साइड में। तो राइट साइड नेगेटिव हो गया है, तो इसलिए उसको क्या रखा है, -140। और फोकल लेंथ, तो लेंस की फोकल लेंथ होती है, वो उस पर डिपेंड नहीं करता कि रेज लेफ्ट से आ रही है कि रेज राइट से आ रही है। अगर पॉजिटिव है तो दोनों तरफ से पॉजिटिव है, नेगेटिव है तो दोनों तरफ से नेगेटिव। क्या ये बात समझ में आती है? अब देखो एक बात हो, अभी यहां पर हमें ऑब्जेक्ट तो बड़ा ऑब्जेक्ट दिया था 1 सेंटीमीटर का, तो फाइनली इमेज की हाइट क्या है, इमेज इन्वर्टेड बन रही रेक्ट बन रही, वो भी अपने को देखना है। तो हम क्या करें, देखो एक एक करके इसको आप चल सकते हो। जैसे सबसे पहला वाला केस लेते हैं, लेंस ने मैग्निफिकेशन किया तो उसके मैग्निफिकेशन को M1 नाम दे दो, M1 को V बाई यू लिख देंगे। लेंस के मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला V बाई यू होता है ना, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का। तो V हो जाएगा 60 और U हो जाएगा -30, तो -2 आ रहा है। इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज कितनी हो जाएगी बेटे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर, तो हाइट ऑफ इमेज 2 सेंटीमीटर आ जाएगी। और क्या ये बिलो प्रिंसिपल एक्सिस बन जाएगा, बोलो, क्योंकि नेगेटिव आ रहा था। अब ये अगली बारी के लिए जब मैग्निफिकेशन आप निकालोगे यहां पर, तो मिरर के मैग्निफिकेशन का क्या फॉर्मूला होता है बेटे, -V/U, तो हो जाएगा माइनस, V को लिखेंगे 120 और U को कितना लिखेंगे बेटे, +40। तो इसके लिए मैग्निफिकेशन -3 आ जाएगा। तो अभी जो इमेज बनेगी उसकी हाइट 2 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट था, उसका 3 गुना मतलब 6 सेंटीमीटर हो जाए। लेकिन वापस से इन्वर्टेड करना है तो पहले बिलो ऑप्टिकल एक्सिस था, उसका इन्वर्जन करोगे तो क्या हो जाएगा, अबव ऑप्टिकल एक्सिस। ठीक है। और फिर जब फाइनली थर्ड बार यहां पर करोगे तो फिर से मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज करोगे, V बाई यू, V है 140/6 और U कितना है बेटे, -140, तो मैग्निफिकेशन -1/6 आ गया। तो -1/6 का मतलब क्या हो गया भैया, देखो 6 सेंटीमीटर ऊपर था, तो इसका मतलब फाइनल इमेज की हाइट फिर 1 सेंटीमीटर रह जाएगी। और ये ऊपर था, माइनस लगा दिया तो बिलो प्रिंसिपल एक्सिस ऐसा लिख सकते हैं। बोलिए बच्चों। ये बिलो प्रिंसिपल एक्सिस आएगा ऐसा। तो फाइनल आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर बिलो ऑप्टिकल एक्सिस और कितना दूरी पर, 23.33 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट ऑफ लेंस, है ना।
ये फाइनल आंसर है। एक सेंटीमीटर हाइट का 23.33 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट ऑफ द लेंस। क्या ये बात समझ में आती है बेटा? हाँ सर। ओके ओके तो बच्चों ठीक है ना। आज हमने जो है वो लेंस के बारे में पढ़ा है। तो अब आप लोग क्या है जो शीट है उसका कहां तक सेक्शन कंप्लीट कर सकते हो? सेक्शन ए बी सी डी ई एफ। एफ वाला जो सेक्शन है वो लेंस के ऊपर ही आ रहा है, तो यहां तक आप कंप्लीट कर सकते हो। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर। ठीक है? हाँ सर। प्रैक्टिस कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं? कैसा चल रहा है अभी तुम्हें पढ़ाई वगैरह का? कल का टेस्ट कैसा हुआ भाई तुम लोग का? कितने लोगों ने दिया था? मैंने दिया था। मानस, वेदांत, देखो भाई टेस्ट के जो आंसर्स वगैरह आए हैं उनको चेक करो, देखो कौन से गलत हुए कहाँ गलत हुए। अच्छा बुखार था, ध्यान रखो भाई तबीयत का। जिसकी भी तबीयत खराब हो भाई क्या है उसको तुरंत जो है उस पे एक्शन लो, डॉक्टर से पूछ पूछ करके जो भी उचित दवाई है वो लो। ज्यादा डराई नहीं करना है, लोग बात ठीक है बोल रहे हैं, ओमिक्रॉन जो है वो उतना सीरियस नहीं है सब है, लेकिन तब भी अपने को केयरफुल रहना है, ध्यान रखना। कुछ बच्चों कुछ की तबीयत बिगड़ी भी है, एक दो बच्चे हॉस्पिटलाइज भी हो गए। ठीक है बच्चों अगली क्लास में मिलते हैं।